Hello friends, my name is Pardeep Negi and I am working as a postdoc economics lecturer in Government Inter College BHL Haridwar. आज हम PPT के माध्यम से सीखेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम कैसे शानदार वीडियो का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आओ चले सीखें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जा सकती है। तो आज हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके दूसरे मेथड से कैसे वीडियो बनाया जाता है उसका आज यहाँ पे बनाना सीखेंगे। उसको हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पीपीटी के इस्तेमाल से वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो आज हम पीपीटी के माध्यम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से वीडियो बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फाइल जो पीपीटी की है वो मैंने बना रखी है, इसको मैं ओपन कर देता हूं। तो आप देखेंगे इसमें चार स्लाइड है, 1, 2, 3 और 4 स्लाइड। अब इन चारों स्लाइड को जोड़ के मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पे आप देखेंगे ये यहां पे मेन्यू दे रखा होम और ये इंसर्ट, और इंसर्ट में हम जब जाएंगे तो यहां पे आप देख रहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। एक चीज का आप ध्यान देंगे कि पीपीटी जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है ये 2013 से अबव जो वर्जन होगा उसी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, और जो 2013 से पुराने वर्जन है उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम वीडियो बनाएंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम, इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हम सबसे पहले वाली स्लाइड पे चले जाते हैं। इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे इंटायर स्क्रीन में ऊपर सबसे ऊपर एक मेन्यू आ रहा है जिसमें रिकॉर्ड, स्टॉप, सिलेक्ट एरिया, ऑडियो और रिकॉर्डिंग पॉइंटर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो सिलेक्टेड एरिया है तो हमें इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि हम कितने एरिया तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमें चाहिए। तो जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो ये आपने देखा कि हल्का सा ब्लर हो गया और प्लस का चिन्ह आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इतना सा लूं तो इतनी सी रिकॉर्डिंग होगी। आप देख रहे हैं कि ये ब्लर है और यहां पे एकदम क्लियर टेक्स्ट आ रहा, तो इतने से की इसमें रिकॉर्डिंग होगी। तो अब मैं पूरा इंटायर स्क्रीन चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं यहां से इसको लूंगा इंटायर स्क्रीन को। तो आप देख रहे हैं कि ये आ रहा है यहां पे क्लिक होके और ये इंटायर स्क्रीन हो गया। अब यहां पर जाके मैं रिकॉर्डिंग में जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे कुछ नंबर्स आएंगे जैसे 3, 2, 1। अब यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड में पीछे से हो रही है। अब मैं कैसे इसकी वीडियो बनाऊंगा आप देखिए, ये वीडियो बनने लग गई है। इसके बाद मैं पावर पॉइंट खोलूंगा और इसको मैं यहां पर जो हमारा नीचे है स्लाइड शो, इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये इंटायर स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। जैसे ये पॉइंटर हमारा है इकोनॉमिक्स और ये अर्थशास्त्र और आर्थिक समस्या क्या है। अगर मैं इस पॉइंटर को मैं चेंज करना चाहूं तो मैं यहां जाके यहां से चेंज कर सकता हूं। मैं इसको लेजर पॉइंटर भी ले सकता हूं, तो लेजर पॉइंटर में इस तरह दिखाई देगा। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों का अध्ययन है जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो ये बीच बीच में मेरी आवाज भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो अब मैं इसको फिर पॉइंटर को अगर आपको चेंज करना हो तो इसमें जाके मैं पेन ले लेता हूं और पेन से मैं इसको इस तरह भी शो कर सकता हूं। तो सीमित संसाधन और हमारे असीमित आवश्यकताएं के बारे में यहां पर बताया गया है। तो इसको अगली स्लाइड में जाना है तो आप इंटर बटन दबा दीजिए, अगली स्लाइड में आप चले जाओगे। यहां पे भी आप ऐसे सेलेक्ट कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी। अब आपको इस रिकॉर्डिंग को समाप्त कैसे करना है तो इसके लिए जो आपका ये पॉइंटर है, ये जो रेड कलर का इसमें दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंटर, इसको ऊपर ले जाएंगे स्क्रीन में तो ये यहां पर आ जाएगा। इसको स्टॉप करोगे तो ये रिकॉर्डिंग होना बंद हो जाएगा। और दूसरा मेथड इसका शॉर्टकट की माध्यम से आप इसको
विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस क्यू से अगर आप दबाएंगे तो ये अपने आप भी बंद हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट बंद करना सिखाऊंगा आपको कि मैंने विंडो लोगो की और शिफ्ट और क्यू दबाया तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन बंद हो गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि मेरी पहली स्लाइड में जो भी मैंने रिकॉर्ड किया वो आ गया। इसको हम यहां से चला के देखते हैं फाइल को, तो आपने देखा कि फाइल में हमारी जो चारों स्लाइड्स हैं उसको जोड़ के हमने जो वीडियो बनाया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सहायता से वो यहाँ पे चल रहा है। और आप देखेंगे इसको मैंने प्ले कर रखा है तो ये फाइल चल रही है और ये पहली स्लाइड में सेव हो चुकी है। अब हम इस वीडियो को सेव करेंगे और इस वीडियो को हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको फिर हम सेव एस ऑप्शन चुनेंगे और सेव एस ऑप्शन के बाद हम डेस्कटॉप में इस फाइल को सेव करेंगे और डेस्कटॉप में हम इस फाइल का नाम दे देते हैं इकोनॉमिक्स वीडियो और MP4 ये डिफॉल्ट लेता है। जब MP4 इसमें आ जाएगा यहाँ पे डिफॉल्ट तो हम इसको सेव करेंगे। आपके डेस्कटॉप पे ये दिखाई दे रहा है ऊपर और यहाँ पर हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपने देखा जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से जो वीडियो बनाया था वो यहाँ पर सेव हो गया है। तो इसी तरह आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रयोग करके PPT में शानदार वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।